हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है KBS LDC 2014 के पेपर में हिंदी के जो क्वेश्चंस आए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले KBS LDC 2015 का हमने पेपर डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो अपलोडेड हैं, और KBS LDC 2014 का जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो जो भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और एनालाइज करने को मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि 21 से 23 तक जो पूछे गए थे वो लोकतियाँ थीं, जिसमें पहला था 21, 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। तो इसका आंसर जो होगा अतिथि, थोड़े दिन के लिए, अच्छा ही का ही अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का और एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था 22, जाके पाँव ना फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो इसका आंसर जो होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। सुना होगा आपने, कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आए थे हरी भजन को ओटन लगे कपास। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, किसी ज़रूरी काम को छोड़कर दूसरे काम में लग जाना। इसका मतलब होता है इस लोकती का वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 24 से 26 तक हमको बताना था जो करेक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो 24 में जो आंसर होगा निमित्तिक, ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। और निमित्तिक का जो मतलब होता है जो निमित्त मांग हो, ठीक, उत्पन्न हो। अगर हम साधारण भाषा में इसको बोलें तो बोलेंगे वो कार्य या बात जो किसी दूसरे कार्य या बात का साधन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो होगा अपराह्न, ठीक, आंसर आपका डी, अपराह्न सबको पता होगा, दोपहर का वक्त, PM। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, परमुखापेक्षी, इसका करेक्ट आंसर होगा परमुखापेक्षी, जिसका मतलब होता है प्रत्येक बात के लिए दूसरों का मुख ताकते रहना, ठीक, खुद कुछ नहीं करना, दूसरों पे देखते रहना, निर्भर रहना कि वो आगे आके काम करे। प्रश्न 27 से 29 तक हमको संधि विच्छेद करनी है, ठीक, इति एवं, इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी, इति प्लस एवं। 28 सच्चिदानंद, इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित प्लस आनंद, ऑप्शन डी। 29 पितृम, ठीक, या पितृ ऋण भी बोलते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ये ऑप्शन ए और सी, जो कि करेक्ट है। और दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन, एक ही चीज़ रख दी गई थी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सबको मार्क्स मिला होगा 2014 में, जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा। क्वेश्चन 30 से 31 तक, 30 से 31 तक हमको रिक्त स्थान दिया था, उसको भरना था। क्वेश्चन नंबर 30, कड़ी मेहनत और सतत, ये रिक्त स्थान था, से व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, अध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब होता है परिश्रम या उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की, फिर रिक्त स्थान दिया था, कि रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का परम कर्तव्य होना चाहिए। तो देश की अस्मिता की रक्षा, ठीक, अस्मिता का मतलब होता है अभिमान, ठीक, मान सम्मान, उसकी रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का परम कर्तव्य होना चाहिए। प्रश्न 32 से 34 तक हमको पर्यायवाची बताने थे। क्वेश्चन नंबर 32, केतु, केतु
का मतलब होता है झंडा। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और केतु के और भी पर्यायवाची होते हैं जो कि होते हैं निशान, ध्वजा, ध्वज, पताका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन घर। घर का पर्यायवाची होगा निकेतन। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे सदन, भवन, धाम, निवास, आलय। क्वेश्चन नंबर 34, निधन। निधन का जो पर्यायवाची होगा वो होगा देह, देहवासन। क्वेश्चन नंबर 35 से 37 तक जो दिए गए हैं उसमें हमको विलोम शब्द बताने थे इनके। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया था निरंतन का विलोम शब्द क्या है, तो सबसे पहले हमें निरंतन का मतलब पता होना चाहिए तभी हम इसका बता पाएंगे कि विलोम क्या होगा। निरंतन का मतलब होता है अंतर रहित, सदा चलने वाला, लगातार, हमेशा। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नश्वर, जिसका मतलब होता है जो सदा बना ना रहे, नाश हो जाए जिसका। 36, अथ। अथ का मतलब होता है आरंभ। ठीक, और इति का मतलब होता है अंत। तो इसका जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, हे का मतलब होता है घृणित और तुच्छ, और इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, जिसका मतलब होता है मानने योग्य या समझने लायक। प्रश्न 38 से 40 तक हमको बताना था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कम बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो होता है मितभाषी। तो आंसर जो होगा 38 का वो डी होगा, और संभावी संभाषी। संभाषी होता है बातचीत करने वाला, मृदुभाषी होता है कोमल वचन बोलने वाला जो मीठी मीठी बातें करे। 39, जो ममत्व से रहित हो, तो इसका आंसर होगा निर्मम। और निरामय का मतलब होता है निरोग, ठीक, या निष्कलंक। क्वेश्चन नंबर 40, आशा से काफ़ी अधिक। तो आशा से काफ़ी अधिक जो होगा इसका आंसर आशातीत। आंसर जो ऑप्शन ए होगा वो इसका आंसर होगा। और अप्रत्याशित का मतलब होता है अचानक, प्रत्याशित का मतलब पता होना पहले से, और आशावान का मतलब होता है आशा रखने वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने हिंदी के जो 20 क्वेश्चन LDC एग्ज़ाम में आए थे 2014 में वो डिस्कस किए। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम जो मैथ के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर और GS के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं चैनल हमारा, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। धन्यवाद।